क्या हो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके हाथ पारस पत्थर लग चुका है? तो आपके दो रिएक्शन हो सकते हैं, या तो आप इस पर भरोसा भी नहीं करेंगे और इग्नोर कर देंगे, दूसरा अगर आपने भरोसा कर लिया तो अपने घर को सोने से भर देंगे। ये और बात है कि इस सोने के चक्कर में आपका रियल लाइफ का सोना हराम हो जाएगा, आपकी नींद उड़ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बता दें कि विज्ञान ने उस तकनीक की खोज कर ली है जिसके जरिए सोने को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है। तो हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, हम लेकर आए हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पारस पत्थर का नाम सुनकर ही दिमाग हवा में उड़ने लगता है, कितना मजेदार लगता है। किसी भी मेटल को उस पत्थर से छुआ वो सोना बन जाए, और फिर उस सोने से अपनी लाइफस्टाइल को भी सोने का बना लो तो जिंदगी किसी परिकथा की तरह हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानियां हमने किताबों में भी पढ़ी हैं। पारस पत्थर की कहानी लगभग 8 से 2000 साल पहले तक शुरू हुई थी, जब चैरोमीता नाम की किताब में इसका जिक्र आया, जिसमें ये लिखा था कि पारस पत्थर वास्तव में ऐसा पत्थर है, ऐसे एलिमेंट से मिलकर बना है जिनसे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। 11वीं शताब्दी तक आते आते पूरी दुनिया में पारस पत्थर की कहानी फैल गई, और हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसकी जेब में पारस पत्थर हो। कोई इस पत्थर के जरिए अमीर होना चाहता था तो कोई अमर होना चाहता था। लोग पारस पत्थर की खोज में लग गए, कुछ तो अपने घर में ही पारस पत्थर बनाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि अगर लोहे को कांच के बर्तन में मेल्ट किया जाए तो वो सोने में बदल जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी में पेरिस के रहने वाले एक बुकसेलर निकोलस फ्लेमिंग के बारे में ये कहा जाने लगा कि उन्होंने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया है। इसके बारे में कहा जाता है कि फ्लेमिंग को अपने घर के कबाड़ में एक ऐसी किताब मिली जिसमें पारस पत्थर का रहस्य छिपा था, जिसकी बदौलत उन्होंने काफी दौलत कमाई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। आगे चलकर उन्होंने एक विधवा से शादी की और अपनी मौत से पहले सारी संपत्ति दान कर दी। हालांकि उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कहते हैं कि उनकी मौत के बाद उस रहस्यमय किताब का भी कुछ पता नहीं चला। फेमस राइटर जे.जे. रोलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर में भी फ्लेमिंग का जिक्र किया है, और उन्होंने फ्लेमिंग की उम्र 600 साल बताई है। 16वीं शताब्दी तक किसी ने भी पारस पत्थर के रहस्य को समझने और समझाने की कोशिश नहीं की। लोगों ने ये मान लिया कि इस पत्थर का रहस्य फ्लेमिंग के साथ ही चला गया। इसके बाद दुनिया के सामने आए एडवर्ड कैली, और उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास पारस पत्थर वाली किताब है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा लाल रंग का पाउडर बनाया जो पारस पत्थर की तरह ही काम करता है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास मौजूद लाल रंग का पाउडर मरकरी को भी सोने में बदल सकता है। मरकरी को पारा भी कहा जाता है, और कहते हैं कि पारे के नाम से ही इस पत्थर का नाम पारस पत्थर पड़ा। अपने ऐसे ही दावों के चलते एडवर्ड कैली पूरी दुनिया में फेमस हो गए, और आगे चलकर हंगरी के राजा रुडोल्फ सेकंड का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए। राजा ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। कहते हैं कि राजा पारस पत्थर को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसने अपनी सारी जायदाद पारस पत्थर की खोज में खर्च कर दी। राजा को महंगी चीजें खरीदने का शौक था, और अपने इस शौक के चलते उसने पूरा का पूरा इकोनॉमिकल बजट भी बिगाड़ दिया, इसीलिए उसे इस पत्थर की खास जरूरत थी। कैली ने पारस पत्थर को लेकर जो चमत्कार दिखाए उसने कैली को तो मालामाल कर दिया, मगर राजा कंगाल हो गया। उसे उसके भाई ने गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा की जेल में ही मौत हो गई। इसके बाद पारस पत्थर की खोज में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया, जब सर आइजक न्यूटन और रॉबर्ट बॉयल ने पारस पत्थर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। आपको बता दें कि रॉबर्ट बॉयल को केमिस्ट्री का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि मरकरी के साथ साथ लाइट को भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस खबर को जानने के बाद वैज्ञानिक आइजक न्यूटन काफी एक्साइटेड हुए। अब तक उन्होंने ग्रेविटी से रिलेटेड अपने पेपर पब्लिश नहीं किए थे। न्यूटन उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। आने वाले 300 सालों तक पारस पत्थर का रहस्य ही बना रहा। ये साल 1920 का जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये बताया कि दुनिया में हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और इन परमाणुओं से मिलकर ही दुनिया बनी है। उन्होंने देखा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। उन्होंने ये बताया हर एक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणुओं के मध्य में प्रोटॉन होते हैं। यही प्रोटॉन किसी भी तत्व की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि अगर किसी तत्व पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई जाए तो उस तत्व के नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा गया। साल 1980 में बर्कले लैबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया। इन्होंने लैबोरेटरी में पारा और लेड के साथ साथ बिस्मथ को भी गोल्ड में कन्वर्ट किया।
शॉर्ट में अगर इनके इस प्रोसेस को समझे तो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से एक गोलाकार ट्यूब में उन्होंने अल्फा कणों की बौछार लाइट की स्पीड से बिस्मिथ के परमाणुओं के ऊपर की। इसकी वजह से भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हुई और बिस्मिथ के परमाणु गोल्ड में कन्वर्ट हो गए। इस पूरी प्रोसेस में गोल्ड के 1000 परमाणु बनाए गए, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में गोल्ड के जो परमाणु बने उनकी संख्या काफी कम थी। ये सभी परमाणु रेडियो एक्टिव थे और इतने परमाणुओं को बनाने के लिए $5,000 का खर्च आया, जो कि पार्टिकल एक्सेलरेटर को केवल 1 घंटा चलाने का बिजली का बिल था। इस हिसाब से केवल 28 ग्राम सोना बनाने के लिए $250 बिलियन का खर्च आता है। पीरियोडिक टेबल में गोल्ड के बाद लेड, बिस्मिथ और मर्करी आते हैं। इनसे सोना बनाने के लिए केवल इतना करना था कि पारा से एक और लेड से 3 प्रोटॉन गम करने थे। पारस पत्थर की खोज में कई लोगों का अहम योगदान था, तो दूसरे कई लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया और अपना उल्लू सीधा किया। फ्लेमिंग कभी भी अमर नहीं थे, उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। कहा जाता है कि उन्हें जो किताब मिली थी उसका नाम द बुक ऑफ अब्राहम था, जो एक कोड में लिखी गई थी और उसे समझने में फ्लेमिंग को 21 साल का समय लगा। उन्हें पारस पत्थर की किताब की वजह से दौलत नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने जिस विधवा से शादी की थी उसका नाम बर्लिन था और बर्लिन के पहले 2 पति काफी अमीर थे। उनकी ही दौलत बर्लिन को मिली थी और वही दौलत फ्लेमिंग के पास आई। जे.जे. रॉलिंग ने इस किताब के बारे में अपनी पुस्तक हैरी पॉटर में लिखा है। पारस पत्थर के रहस्य के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा एडवर्ड कैली ने उठाया। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और उनसे अपना उल्लू सीधा किया। उनके सबसे बड़े शिकार हंगरी के राजा रुडोल्फ सेकंड थे, जिन्होंने उनके चक्कर में पढ़कर अपनी पूरी जायदाद लुटा दी और इसका फायदा कैली को हुआ। अपने अंतिम समय में जेल में रहते हुए राजा रुडोल्फ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। कहते हैं कि जब उन्होंने जेल से भागने की कोशिश की, इसी दौरान उनकी मौत भी हुई। एडवर्ड कैली की भी काफी दुर्गति हुई। उन पर आरोप था कि वो हर जगह यही बात कहते घूमते थे कि रानी एलिजाबेथ लोहे को सोने में बदलने में उनकी मदद लेती है, जिसके चलते सन 1588 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात सही है कि बिस्मिथ जैसे एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक एलिमेंट को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी खर्चीली और महंगी है कि इसे व्यावहारिक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भले ही पारस पत्थर एक परिकल्पना हो, लेकिन पारस पत्थर की खोज करने वालों ने आज विज्ञान को जो दिशा दिखाई, उसके चलते ही धीरे धीरे हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने में सफल हुए हैं और इसके सीक्रेट को भी जान गए। हालांकि पारस पत्थर के साथ जो रहस्य और रोमांचक कहानियां जुड़ी हुई हैं, उसके चंगुल में फंसकर कई दूसरे लोग बेवकूफ बन जाते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाने वालों की भी कमी नहीं है। वैसे आप पारस पत्थर के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपको पारस पत्थर मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? आपका जवाब चाहे जो भी हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।